नेक्स्ट डेफिनेशन है बोरल सेट्स. लेट ई बी द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ आर. आर के जितने ओपन सबसेट्स हैं उनकी कलेक्शन क्या है? ई. ठीक है, डिफाइन बीटा. हमने बीटा क्या डिफाइन किया? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन किन की? उन बीज की. ये बी है, ये बीटा है, जहाँ पर बी इज सिग्मा अलजेब्रा कंटेनिंग ई. ई को कंटेन करने वाले जितने सिग्मा अलजेब्रा हैं उन सब की इंटरसेक्शन बीटा है. ठीक है, इंटरसेक्शन हमेशा स्मॉलेस्ट होती है. बीटा इज स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा. जो सिग्मा अलजेब्राज की इंटरसेक्शन आएगी वो भी एक सिग्मा अलजेब्रा बनती है. तो बीटा इज स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा कंटेनिंग ई. ई को कंटेन करने वाला बीटा सबसे स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा होगा. एंड बीटा इज जनरेटेड बाय ई. और इसे ऐसे भी बोलते हैं कि बीटा ई से जनरेट हो रहा है. एंड मेंबर्स ऑफ बी बीटा इज कॉल्ड बोरल सेट. और बीटा के मेंबर्स को, यानी जो इसमें ये आएंगे, इनको हम बोरल सेट्स कहेंगे. समझते हैं एक बार दोबारा क्या कह रहा है. ई कैसा है? ओपन सबसेट्स ऑफ आर. आर के जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उन सब की कलेक्शन है ई. ठीक है, इसके अंदर भी सबसेट्स पड़े हैं. फिर हमें कोई बी है जो सिग्मा अलजेब्रा है और जो ई को कंटेंड करता है. मान लो सी भी कोई सिग्मा अलजेब्रा है और जो ई को कंटेंड करता है. ऐसे ही एक और ले लिया डी, जो सिग्मा अलजेब्रा भी है और ई को कंटेंड भी करता है. इन सब की एक और कलेक्शन बना ली. बीटा क्या है? उन सब एलिमेंट्स बी सी डी, एक ऐसे एलिमेंट्स या सिग्मा अलजेब्राज की कलेक्शन जो ई को कंटेंड करते हैं. ठीक है, देखो रियल लाइन पर हमें सिग्मा अलजेब्राज तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमें वो सिग्मा अलजेब्रा उठाने हैं जो ई को कंटेंड करते हैं, यानी सारे ओपन सेट्स को कंटेंड करते हैं. ठीक है, तो बीटा है इन सब की इंटरसेक्शन. उसके बाद इन सब की इंटरसेक्शन ले लेंगे. बी में भी ई बिलोंग करता है, सी में भी ई बिलोंग करता है, डी में भी ई बिलोंग करता है. इससे आगे भी जितने भी इसके अंदर सिग्मा अलजेब्रा आ जाएंगे सब में ई तो कॉमन होगा. तो डेफिनेटली ई कंटेंड करेगा बीटा में भी, क्योंकि इंटरसेक्शन है. इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट जाता है, ई तो कॉमन है ही है. ठीक है, ई इज कंटेंड इन बीटा. और ई में क्या थे? सारे ओपन सबसेट्स थे. समझ में आया? ई में क्या थे? सारे ओपन सबसेट्स थे. तो बीटा को हम कहेंगे जनरेटेड बाय ई. और बीटा के मेंबर्स को, बीटा के मेंबर्स कौन कौन से हैं? बी है, सी है, डी है और सारे सिग्मा अलजेब्रा. जितने सिग्मा अलजेब्रा ई को कंटेंड करते हैं, जितने सिग्मा अलजेब्राज ई को कंटेंड करते हैं उन सब को हम क्या कहेंगे? बोरल सेट. ठीक है, बीटा के मेंबर्स को बोरल सेट कहते हैं. बीटा को बोरल सेट नहीं बोल रही हूँ मैं, बीटा के मेंबर्स को. द मेंबर्स ऑफ बीटा इज कॉल्ड बोरल सेट. ठीक है, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन थ्योरम है एवरी बोरल सेट इज मेजरेबल. नेक्स्ट थ्योरम है एवरी बोरल सेट इज मेजरेबल. इन पर्टिकुलर एवरी ओपन सेट एंड क्लोज सेट इज मेजरेबल. बोरल सेट कैसे होंगे? जो बीटा के मेंबर हैं. बीटा के मेंबर कैसे हैं? जो सिग्मा अलजेब्रा हैं और ई को कंटेंड करते हैं. ई को कंटेंड करते हैं और ई में तो सारे ओपन सेट्स हैं, यानी सारे ओपन सेट जा रहे हैं. तो अगर मुझे डेफिनेशन या स्टेटमेंट ये आए एवरी बोरल सेट इज मेजरेबल, या फिर ये आ जाए एवरी ओपन सेट एंड क्लोज सेट इज मेजरेबल, तो दोनों में हम एक ही थ्योरम प्रूव करेंगे. प्रूफ ऑफ द थ्योरम मे बी कम्प्लीटेड बाय सेवरल स्टेप्स बाय यूजिंग द फैक्ट डैट एम इज सिग्मा अलजेब्रा. एम क्या था? क्लास ऑफ मेजरेबल सेट्स. जितने मेजरेबल सेट्स हैं उन सब की कलेक्शन को एम बोलते हैं. और हम पीछे प्रूफ कर सकते हैं, ये कर चुके हैं कि ये क्या है? सिग्मा अलजेब्रा है. अब स्टेप फर्स्ट में हम वी नो डैट ओपन इंटरवल ए इन्फिनिटी इज मेजरेबल. अगर ये थ्योरम छोटे मार्क्स में आती है तो आपको ये प्रूफ नहीं करनी है थ्योरम. अगर 16 नंबर में आती है तो आप पहले आप ये वाली चीज़ प्रूफ करोगे, ए इन्फिनिटी इज मेजरेबल. ठीक है, हम प्रूव कर चुके हैं कि ओपन इंटरवल ए इन्फिनिटी मेजरेबल होता है. और कोई भी सेट मेजरेबल हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है. यानी इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल ए बी. मतलब क्लोज इंटरवल नहीं बोलना चाहिए, सेमी क्लोज कह सकते हैं, अनबाउंडेड है ये इंटरवल, इज मेजरेबल. ठीक है, ये मेजरेबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा. इसका कॉम्प्लीमेंट ये है तो ये भी मेजरेबल होगा. स्टेप थर्ड में, नाउ फॉर एनी सेट रियल नंबर्स बी. अगर मैं कोई भी रियल नंबर उठाऊँ माइनस इन्फिनिटी टू बी. अब यहाँ बी ओपन है, यहाँ हमने ए क्लोज के लिए प्रूव किया था, अब हम बी ओपन के लिए प्रूव कर रहे हैं. कोई भी ओपन इंटरवल है वो ओपन सेट भी होता है, और किसी भी ओपन सेट को यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है. ठीक है, और ओपन इंटरवल तो हम ऊपर प्रूव कर ही चुके हैं कि मेजरेबल होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी बी और उनकी काउंटेबल यूनियन भी मेजरेबल होगी, तो डैट इज़ ये भी मेजरेबल होगा.
अब हम किसी फाइनाइट इंटरवल की बात कर रहे हैं, लेंथ जिसकी फाइनाइट है ए बी, उसको मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ माइनस इन्फिनिटी टू बी इंटरसेक्शन ए टू इन्फिनिटी। कैसे? देखो, मान लो ए बी इंटरवल मेरा 2-3 है, ठीक है, 2-3 है, तो मैंने एक सेट लिया माइनस इन्फिनिटी टू 3, मान लो 2 यहाँ होगा 3 यहाँ होगा, मुझे ये इंटरवल चाहिए, तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ माइनस इन्फिनिटी टू 3 और फिर 2 टू इन्फिनिटी, इनकी इंटरसेक्शन में यही पार्ट तो कॉमन आएगा, ठीक है ना, तो वही लिखा है माइनस इन्फिनिटी टू बी, बी पीछे वाला लेना है, इंटरसेक्शन ए टू इन्फिनिटी, इनकी इंटरसेक्शन में ए बी ही होगी। सिंस माइनस इन्फिनिटी टू बी एंड ए टू इन्फिनिटी, ए इन्फिनिटी आर मेजरेबल, ये दोनों तो मेजरेबल हम प्रूव कर चुके हैं, इनकी इंटरसेक्शन फाइनाइट इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होगी, यानी ए बी भी मेजरेबल होगा। दस एवरी ओपन इंटरवल इज मेजरेबल, यानी हर तरह का ओपन इंटरवल चाहे वो अनबाउंडेड हो या बाउंडेड हो, वो ओपन इंटरवल मेजरेबल होता है। स्टेप फाइव में प्रूव करें, कोई भी ओपन सेट हो वो मेजरेबल होगा, क्यों? क्योंकि किसी भी ओपन सेट को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ काउंटेबल यूनियन और डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, ठीक है, और ओपन इंटरवल्स मेजरेबल हैं, उनकी काउंटेबल यूनियन भी है मेजरेबल, यानी ओपन सेट भी मेजरेबल, ठीक है। दिस आल्सो इम्प्लाइज डैट एवरी क्लोज्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स इज मेजरेबल, ये दिस आल्सो इम्प्लाइज डैट एवरी क्लोज्ड सेट ऑफ रियल नंबर इज मेजरेबल, क्योंकि कोई भी सेट मेजरेबल है ओपन सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्लोज्ड होगा और वो भी मेजरेबल होगा। लेट ई बी द क्लास ऑफ ऑल ओपन सेट्स ऑफ रियल नंबर, अगर ई क्या है, क्लास है सारे ओपन सेट्स की, तो ई कंटेंट होगा एम में, क्योंकि ई क्लास है ओपन सेट्स की, और ओपन सेट्स कैसे हैं, मेजरेबल, और जितने भी मेजरेबल सेट्स हैं वो तो एम में पड़े हैं, तो ई भी कंटेंट होगा एम में, और एम सिग्मा अलजेब्रा है जो ई को अपने अंदर कंटेंट करता है। लेकिन हमने डेफिनेशन में बताया था बीटा क्या होती है, उन सबकी इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन हमेशा स्मॉलेस्ट होती है, यानी बीटा इज द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा कंटेनिंग ई। बीटा ई को कंटेंट कर, एम भी ई को कंटेंट करता है, और बीटा भी ई को कंटेंट कर रहा है, और उनमें बीटा स्मॉलेस्ट है, तो डेफिनेटली बीटा इज कंटेंट इन एम होगा। एवरी सेट इन बीटा, बीटा इज मेजरेबल, इसका मतलब बीटा एम में चला गया, और एम में तो सारे मेजरेबल सेट्स हैं, यानी बीटा के सारे मेंबर्स इसमें चले गए, और वो सारे कैसे हैं, मेजरेबल, यानी एवरी बोरल सेट इज़ मेजरेबल।